नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखी प्राचीन कश्मीर की कहानी। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे हिंदू कश्मीर इस्लामिक कश्मीर में बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक अशोक कुमार पांडे के हवाले से एबीपी न्यूज ने लिखा है कि शाह मीर ने कश्मीर की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। फिर एक दिन सैयद अली हमदानी कश्मीर पहुंचा, जो खुद को संत कहता था। इसके प्रभाव में आकर राजा पूरी तरह बदल गया। इसके बाद पहुंचा हमदानी का बेटा मीर सैयद मोहम्मद हमदानी। हालात ऐसे बने कि संगीत नृत्य पर पाबंदी हो गई, हिंदुओं पर जजिया लगा दिया गया और माथे पर तिलक लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया। सोने और चांदी की सभी मूर्तियों को पिघलाकर सिक्कों में तब्दील कर दिया गया और सभी हिंदुओं को मुसलमान बन जाने के आदेश दिए गए। पूरे कश्मीर भर के प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। हिंदुओं के सामने इस्लाम अपनाने, देश छोड़ देने या आत्महत्या करने के ही विकल्प बचे थे। बड़ी संख्या में लोगों ने धर्म परिवर्तन स्वीकार कर लिया। बचे हुओं ने देश छोड़ दिया और बाकी ने आत्महत्या कर ली। 1540 में हुमायूं के एक सिपह सालार मिर्जा हैदर दुगलत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। अकबर और शाहजहां के वक्त तो हालात ठीक रहे, लेकिन औरंगजेब ने कश्मीर में तबाही मचाई। 1753 में अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। 67 सालों तक कश्मीर को अफगानों ने लूटा। कश्मीरी पंडित बीरबल धर ने सिख राजा रणजीत सिंह को कश्मीर आने का न्योता दिया, जिसने अपने उत्तराधिकारी खड़क सिंह के नेतृत्व में हरि सिंह नलवा सहित अपने सबसे काबिल सरदारों के साथ 30,000 की फौज कश्मीर भेजी। 15 जून 1819 को कश्मीर में सिख शासन की स्थापना हुई। 1839 में रणजीत सिंह की मौत हो गई। 1846 में कश्मीर अंग्रेजों के पास पहुंच गया, जिन्होंने उसे गुलाब सिंह को बेच दिया। 1931 में कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया। इस वक्त राजा थे हरि सिंह। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में बनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 11 जून 1939 को नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई और कांग्रेस के साथ मिलकर देश के मुक्ति आंदोलन का हिस्सा बनी। 47 में जब देश आजाद हो रहा था, तो महाराजा हरि सिंह ने पहले तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों से अपने लिए आजादी की मांग की और टाल मटोल करता रहा। उस समय नेहरू ने गृह मंत्री पटेल को लिखे पत्र में कहा कि पाकिस्तान की रणनीति कश्मीर में घुसपैठ करके किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की है। राजा के पास इकलौता रास्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस से तालमेल कर भारत के साथ जुड़ने का है। कहते हैं कि पटेल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उस समय राजा पर दबाव बनाने की कोई अतिरिक्त कोशिश नहीं की। लेकिन जब पाकिस्तान ने कबायलियों के भेस में आक्रमण कर दिया, तो राजा के पास भारत से जुड़ने के अलावा कोई चारा न बचा। इसी के बाद शुरू हुई धारा 370 की कहानी, जो मोदी सरकार ने खत्म कर दी है।